हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन की कॉल स्क्रीन को आईफोन जैसे कॉल स्क्रीन में बदल सकते हैं। और जो ये ट्रिक हम बता रहे हैं आपके फोन में 100% वर्क करेगा, भले ही आपका फोन किसी भी कंपनी का हो। तो अगर आपको भी अपने फोन की कॉल स्क्रीन को आईफोन जैसे कॉल स्क्रीन में बदलना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एंड्रॉइड फोन की कॉल स्क्रीन को आईफोन जैसे कॉल स्क्रीन में बदलने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। फिर आपको यहाँ सर्चिंग बॉक्स में टाइप करना है आई कॉल डायलर और आपको इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। हम इसको पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू टू ऐप पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह से स्लाइड कर लेना है, इसको आपको एंड तक स्लाइड कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, इन दोनों को आपको ऑन कर लेना है। तो इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको पहले वाले को ऑन करना है, फिर आपको आई कॉल डायलर वाले को सिलेक्ट करके सेट डिफॉल्ट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको परमिशन को भी ऑन कर लेना है, फिर यहाँ भी आपको कुछ परमिशन मांगेगा, सारे परमिशन को आपको अलाउ कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ टिक पे क्लिक कर लेना है। टिक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐड आएगा, सिंपली आपको उस ऐड को पूरा वॉच कर लेना होगा। तो दोस्तों, ऐड को वॉच करने के बाद आपको यहाँ से इसको कट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन पूरी तरह से रेडी हो चुका। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सारा ऑप्शन आईफोन जैसा ही देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे कहीं कॉल करते हैं तो आपको सेम आईफोन जैसा ही कॉल स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपका कहीं से कॉल आता है तो आपको सेम आईफोन जैसे ही पिक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको बैक जाना है। बैक आने के बाद आपको जो पहले वाला डायलर था उसको आपको सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे रख लेना है। फिर आपने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किए थे उसको आपको सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे लाकर रख लेना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।